गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट किया था 12.3 का। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन 8। क्या लिखा है? द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 40 such बुक। अब देखो यहाँ पे भी सेम करना है, वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 बुक। हमारे पास यहाँ 72 का है तो 1 बुक का कितना होगा, तो वापस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ से यहाँ और ये वाला वैल्यू डिनोमिनेटर में, मतलब डिवाइड करेंगे 1 × 9/72। तो ये किससे डिवाइड होगा, 9 8 सा, तो क्या आएगा 1/8। अब देखो वेट ऑफ, वापस हमें कितनी बुक्स का निकालना है, 40 बुक्स का, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि वेट ऑफ 1 बुक 1/8 है, तो वेट ऑफ 40 बुक्स विल बी, तो क्या करेंगे वापस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 40 × 1/8 डिवाइड बाय ये 1, तो किससे कितना होगा, ये 8 से डिवाइड होगा, किससे होगा, 8 5 ज़ा, तो जो 40 बुक्स है उसका वेट कितना होगा, 5 kg। उसी तरह से यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है आपको कि अ ट्रक रिक्वायर 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग इतना डिस्टेंस 594। देन हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच। देखो यहाँ पे हम पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़ी डिजिट है, तो बहुत टाइम लगता है इसे डिवाइड होने में। सो हम क्या करेंगे, फॉर कवरिंग 594 कितना डीजल लगता है, 108, तो फॉर कवरिंग 1 kilometer कितना डीजल लगेगा, वापस हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 108/594, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2/11। उसके बाद हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1650। तो देखो फॉर कवरिंग 1650 अ ट्रक रिक्वायर विल डीजल कितना होगा, हम क्या करेंगे वापस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं 1650 × 2/11 डिवाइड बाय 1। अब इसको हम पूरा डिवाइड करेंगे तो कितना डीजल चाहिए, तो 300 डीजल, आपको ये खुद कैलकुलेट करना है तो आपको मिल जाएगा कि 300 लीटर्स रिक्वायर है। अब आगे क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, राजू परचेस 10 पेन फॉर 150 rupees, मनीष बाय 7 पेन फॉर 84 rupees, कैन यू से हु गॉट द पेन चीपर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है किसने कम प्राइस में पेन खरीदी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले राजू ने कितनी 10 पेन्स परचेस की, 150, तो 1 पेन का हम प्राइस निकालेंगे। अब 1 पेन का प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड, मतलब 1 × 150/10, तो कितना आएगा, 15 rupees का पेन, एक पेन कितने का आया, 15 rupees। अब देखो हम मनीष का पेन का निकालेंगे, मनीष ने 7 पेन्स खरीदी कितने में, 84 rupees, तो 1 पेन का कितना होगा, तो क्या करेंगे वापस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 × 84/7, ये वाला 7 नीचे, तो अब ये किससे डिवाइड होगा, 7 12 ज़ा, तो हम इस पे से कह सकते हैं कि 1 पेन, राजू ने 1 पेन का कितना दिया, 15 rupees, एंड मनीष ने 1 पेन का कितना दिया, 12 rupees, तो किसने कम प्राइस में पेन खरीदी, मनीष ने। आ रहा है सबको समझ में। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है, अनीश मेड 42 रन इन 6 overs एंड अनूप मेड 63 रन इन 7 overs, हु मेड मोर रन पर ओवर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि 6 overs में 42 रन किए अनीश ने, और अनूप ने
63 रन किए, कितने में 7 ओवर में, तो हमें फाइंड करना है किसने ज़्यादा रन किए 1 ओवर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अनीश मेड 6 ओवर मेड इन 6 ओवर कितने रन्स किए, 42 रन्स किए, तो 1 ओवर में कितने होंगे, तो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, मतलब क्या करेंगे हम 1 मल्टीप्लाई 42 अपॉन, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 7 रन्स, मतलब 1 ओवर में कितने किए उसने 7 रन्स। उसी तरह से अनूप मेड 7 ओवर्स कितने 63 रन्स किए, तो 1 ओवर में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई 63 अपॉन 7, तो कितना आएगा 9 रन्स। तो अब इस पे से आप बोल सकते हो कि 1 ओवर में किसने सबसे ज़्यादा रन किए, यहाँ पे देखो 1 ओवर में अनूप ने 9 रन किए एंड अनीश ने 1 ओवर में 7, तो किसने ज़्यादा किए, अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।